प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी धर्म व क्षेत्र के भारतीय नागरिकों पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को किया पुरस्कृत। आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन व विक्की कौशल को उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। तेलुगु फिल्म महांती के लिए कीर्ति सुरेश सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कृत। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा ने कोलकाता में की अभिनंदन यात्रा। इस यात्रा का भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नेतृत्व। दिल्ली सरकार ने किराड़ी की आग दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। भारतीय रेल विभाग ICF से वंदे भारत रेलगाड़ियों की खरीदेगी 44 रेक। विद्युत उपकरण और वस्तु की आपूर्ति के लिए निविदा की प्रकाशित। राज्य फिल्म उद्योग की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए उपराष्ट्रपति ने उत्तराखंड को फ्रेंडली स्टेट अवार्ड से किया पुरस्कृत। हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी। उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। नाइजीरिया तट के पास हांगकांग के एक समुद्री जहाज से अगवा किए गए 18 भारतीय रिहा। इन लोगों को 3 दिसंबर को समुद्री डाकुओं ने किया था अगवा। श्रीलंका में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मारे गए 3 लोग। खराब मौसम के कारण 64,000 से अधिक लोग हुए प्रभावित। अब खबरें खेल जगत से। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 4 विकेट से हराकर 2-1 से जीती श्रृंखला। तीसरे और अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने से इनकार। बोर्ड ने कहा सिर्फ T20 सीरीज के लिए भेज सकते हैं टीम।